हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सेरा नरसिम्हा रेड्डी फिल्म के टीजर के बारे में। हालांकि इसके पहले भी हमें इस फिल्म की एक झलक दिखाई गई थी, वो भी आज से ठीक एक साल पहले। लेकिन इस पूरे के पूरे टीजर में हमें सिर्फ अगर किसी की झलक दिखाई गई थी तो वो थे मेगा स्टार डॉक्टर चिरंजीवी। और उसके बाद जैसे जैसे इस फिल्म का प्रोडक्शन आगे बढ़ा, तब जाकर इस फिल्म में और भी ज्यादा कास्टिंग की गई ताकि इस फिल्म को काफी हाई लेवल पर रिलीज किया जाए। वेल, तो अब क्या है वो सभी के सभी डिटेल्स, चलिए इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें इस फिल्म के टीजर की, तो इसके पहले भी फिल्म के एक और टीजर को रिलीज किया गया था, जिस टीजर में हमें सिर्फ और सिर्फ चिरंजीवी के कैरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी को ही दिखाया गया था। और उसके बाद फिल्म के काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के पोस्टर रिलीज किए गए, जिसके बाद जाकर हमें पता चला कि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है। बट ऑब्वियसली लोग इतने बेवकूफ है नहीं कि ट्रेलर में देखकर ये ना समझ पाए कि एक्चुअल में फिल्म की स्टोरी है क्या। इसलिए स्टोरी को लेकर मैं यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल देने वाला हूँ नहीं। अगर आप अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो कि वो फिल्म में हमें कौन से कैरेक्टर का रोल करते हुए नजर आ सकते हैं, वेल तो उनके कैरेक्टर को देखकर हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि अमिताभ बच्चन हमें इस फिल्म में एक्चुअल में चिरंजीवी के गुरु नजर आएंगे, जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक चिरंजीवी के कैरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी को ट्रेन किया है। यानी एक हिसाब से अमिताभ बच्चन इस फिल्म में हमें एज गेस्ट अपीयरेंस ही नजर आने वाले हैं, जिनका फिल्म में ज्यादा काम होगा नहीं। और उसके बाद आ जाए बाकी दूसरी कास्टिंग पर, तो दो कैरेक्टर मुझे इस फिल्म में नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं, जैसे कि सुदीप किच्चा और विजय सेतुपति, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर में हम थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाए तमन्ना पर, तो तमन्ना इस फिल्म में ज्यादा होगी नहीं, और बाकी बचे एक्टर नम्रता जो कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, उनका काम फिल्म में होगा, जो हर एक एक्ट्रेस का फिल्म में होता है। और बात करें जगतपति बापू की, तो शायद जगतपति बापू इस फिल्म में नरसिम्हा रेड्डी के भाई हो सकते हैं, जो फिल्म के एक टर्निंग पॉइंट पर अपने भाई को धोखा दे देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म में इस तरीके का ट्विस्ट नहीं होगा तो फिल्म लोगों को अच्छी कैसे लगेगी। बट बात करें इस फिल्म के टाइटल की, जिससे हमें ये बात पता चल जाती है कि नरसिम्हा रेड्डी हिंदुस्तान की तरफ से पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। हालांकि इसके पहले लोग ज्यादातर तो मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई को ही याद करते थे कि ये दोनों पहले फ्रीडम फाइटर थे, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम औरतों की लिस्ट में सबसे पहले आता है और मंगल पांडे अब सेकंड पोजीशन पर है। और यही बात ये टीजर भी हमें कहता है कि एक्चुअल में नरसिम्हा रेड्डी पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, और फिर जब उनकी मृत्यु हुई थी 1847 में, तो 10 साल तक ये आग ठंडी थी, और 10 साल बाद इस आजादी की आग को भड़काने का काम मंगल पांडे ने किया था, और फिर उसके एक साल बाद इस काम को रानी लक्ष्मीबाई ने आगे बढ़ाया था। लेकिन हो ना हो, आज लोग पूरी तरीके से नरसिम्हा रेड्डी को भूल चुके हैं, और उसी के चलते इस फिल्म को बनाया गया है ताकि उन्हें लोग पूरी तरीके से याद रखे। और ऊपर से फिल्म की स्टार कास्ट इतनी ज्यादा बड़ी है, तो डेफिनेटली ये फिल्म लोगों को याद ही रहेगी। बट जिस तरीके से इस फिल्म में नरसिम्हा रेड्डी के कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया गया है, उससे ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि भले ही फिल्म की कहानी सत्य घटना पर क्यों ना आधारित हो, बट फिल्म डायरेक्टर और राइटर ने अपने हिसाब से बनाई है, जिसमें राइटर्स ने अपना दिमाग लगाया है कि किस तरीके से फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाया जा सकता है रियल इंसिडेंट्स को डालकर, जिसमें काफी सारा एक्शन और काफी सारा ड्रामा भी ऐड किया गया होगा। यानी एक हिसाब से ये फिल्म डायरेक्टर और राइटर के दिमाग से निकली हुई एक फिल्म है, जिसे बस ट्रू स्टोरी के नाम पर हमारे सामने रखा जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वेल इस तरीके के कंटेंट को सपोर्ट ही करना चाहिए, जिसकी खास करके हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये बात साउथ इंडस्ट्री अच्छी तरीके से समझती है। बट वो बात कहते हैं ना कि एक ही ट्रेंड पर चलने की हम इंडियंस की आदत है, तो वैसा ही कुछ फिलहाल तो अभी बॉलीवुड और टॉलीवुड मॉलीवुड की फिल्मों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि बाहुबली फिल्म के हिट होने के बाद ऐसी हिस्टोरिक फिल्मों की लाइन लग गई है। ये ट्रेंड 70s और 80s के बीच में भी चला था, जहां पर राजा महाराजों पर काफी सारी फिल्में बनाई जाती थी, और एक टाइम पर आकर वो ट्रेंड खत्म हुआ था, तो फिर लोगों को जादुई फिल्में बनाने का ट्रेंड चला था, फिर भूत की, और हाँ टार्जन पर बनी हुई फिल्मों को कौन भूल सकता है। और आजकल बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग और धमाकेदार एक्शन वाली फिल्में ही बनती है, जिसमें अब ज्यादातर तो बॉलीवुड की फिल्में साउथ की ही रीमेक की जाती है, क्योंकि लोगों को साउथ की फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है। यानी ये भी एक ट्रेंड है, क्योंकि एक हिसाब से अब बॉलीवुड के पास बाकी दूसरे कंटेंट बचे है नहीं, और अगर अच्छे कंटेंट पर फिल्म बनती है तो ज्यादातर लोग वैसी फिल्मों पर ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि वैसी फिल्में लोग थिएटर तक में भी देखने नहीं जाते, और इसीलिए शायद बॉलीवुड की कंटेंट की फिल्में ज्यादातर तो इग्नोर ही हो जाती है, क्योंकि आज की तारीख में कंटेंट पर कोई भी पैसे लगाने के लिए रेडी है नहीं। रीजन है सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑडियंस, जो कंटेंट पर बनी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करते, और सपोर्ट भी करते हैं तो बस सिर्फ ऐसी फिल्मों को जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करने के भी लायक की है नहीं। खैर, और काफी लोगों ने मुझसे नेशनल अवार्ड पर भी बात करने के लिए कही थी कि नेशनल अवार्ड की जो लिस्ट निकल कर आई है वो सही है या फिर नहीं। वेल, तो मैं कोई नहीं होता जज करने वाला नेशनल अवार्ड को, लेकिन देखा जाए तो इस बार नेशनल अवार्ड में काफी अच्छी अच्छी फिल्में ली गई है, बट अफसोस ये था कि इन लिस्ट में तुम्बाड़ जैसी फिल्म शामिल नहीं।
थी जो कि एक मास्टरपीस थी, वो भी ज्यादातर असली लोकेशन पर शूट की गई फिल्म। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये थी कि इस बार नेशनल अवार्ड का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को नहीं बल्कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एक्ट्रेस रीति सुरेश को मिला, जिस पर अब डेफिनेटली कंगना रनौत अपनी उंगलियां जरूर उठाएगी, क्योंकि उन्होंने ये बात कही भी थी कि अगर उन्हें मणिकर्णिका जैसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिलेगा तो फिर वो नेशनल अवार्ड को जज करेगी। वेल, तो इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, जो कि फिलहाल तो आज की तारीख में कंगना रनौत है। लेकिन हम यहाँ पर बात कंगना रनौत की नहीं बल्कि सेरा नरसिम्हा रेड्डी फिल्म के टीजर की कर रहे हैं। वापस आ जाते हैं उसी टॉपिक पर, क्योंकि अब मुझे लगता है इस फिल्म को लेकर एक और ट्रेंड चलेगा और ये ट्रेंड होगा वॉर वर्सेस सेरा नरसिम्हा रेड्डी, क्योंकि दोनों ही फिल्में एक ही तारीख को रिलीज होगी। वेल, तो मेरा मानना ये है कि दोनों ही फिल्मों को बिल्कुल भी कंपेयर ना किया जाए। और बात रही क्लैश की, तो हो सकता है कि दोनों फिल्में साथ में रिलीज हो, लेकिन दोनों ही फिल्मों का जैसे कि मैंने बताया फ्लेवर बिल्कुल ज्यादा अलग है, जो हर एक ऑडियंस को इन दोनों फिल्मों को देखने के लिए अट्रैक्ट करेगा। खास करके बात करें फिल्म वॉर की, तो उस फिल्म से ज्यादातर तो यूथ ही जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें इस तरीके की एक्शन फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद जाकर अगर फिल्म सपोज अच्छी नहीं निकलती है, तब यहाँ पर सबसे ज्यादा सपोर्ट नरसिम्हा रेड्डी फिल्म को भी किया जाएगा, जो कि हो सकता है फिल्म के इस टीजर से हमें पता चल जाए। क्योंकि अगर ये टीजर लोगों के बीच सर चढ़कर बोलता है तो फिर डेफिनेटली इस फिल्म की भी हाइप हमारे बॉलीवुड में अच्छी खासी हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चांसेस इस फिल्म के ज्यादा कमाई करने के नहीं है बॉक्स ऑफिस पर, जिसका मतलब साफ है कि ये फिल्म बॉलीवुड की एंट्री में एक एवरेज कमाई कर पाएगी फिल्म वॉर के सामने। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो तो ना तो मुझे ज्यादा भरोसा सेया नरसिम्हा रेड्डी फिल्म पर है और ना ही वॉर पर, क्योंकि दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर बहुत ज्यादा महान है। तो यहाँ पर मैं बात फिल्म वॉर के ट्रेलर की नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसके डायरेक्टर से रिलेटेड डिटेल मैंने उसके टीजर ब्रेकडाउन में आपको दी थी। तो यहाँ पर बात करते हैं सुरेंद्र रेड्डी की, जिन्होंने अपने करियर में सबसे जबरदस्त अगर कोई फिल्म बनाई है तो वो फिल्म है किक वन। और उसके बाद जितनी भी फिल्में उनके करियर की थी वो सभी की सभी फिल्में एक एवरेज फिल्म ही थी। जी हाँ, अब मुझे पता है इसके लिए मुझे काफी गालियां मिलेगी, क्योंकि लोग मुझे ये भी कहेंगे कि सुरेंद्र रेड्डी ने रेस गुर्दम, ध्रुवा, उसरा वैली, अशोक और अतिथि जैसी फिल्म भी बनाई है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये सारी फिल्में एक एवरेज फिल्म है। जिन सभी फिल्मों के अगर प्लॉट को देखा जाए तो लगभग सभी के सभी फिल्मों के प्लॉट एक जैसे ही है, जैसे कि एक हीरो का पास जिसके बारे में वो इंटरवल के बाद बताता है या फिर इंटरवल से पहले। लेकिन किक फिल्म सुरेंद्र रेड्डी के करियर की एक ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें एक अच्छा खासा बूस्ट दिया था, लेकिन इस फिल्म का सीक्वल पूरी तरीके से कचरा था। और अब ध्रुवा फिल्म के बाद वो हमारे सामने नरसिम्हा रेड्डी जैसी फिल्म लेकर आए हैं, जो कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत ज्यादा अलग है। तो शायद हो सकता है कि वो हमें इस फिल्म में स्लो मोशन के अलावा फिल्म का काफी अच्छा दमदार प्लॉट भी दिखाए, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पूरी की पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर ही ध्यान दिया गया है तो फिर फिल्म का प्लॉट हमें कहीं धुंधला होता हुआ नजर आता है, और डायरेक्टर बस एक्शन के ही दम पर पूरी की पूरी फिल्म हिट करवा ले जाता है, जैसी ही फिल्म KGF हुई थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो KGF फिल्म के चैप्टर 1 में इतने ज्यादा एक्शन डाले गए थे और फिल्म का प्लॉट बहुत ही कम था, लेकिन अब आए हो KGF फिल्म के चैप्टर 2 में हमें एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा जिसमें एक्शन कम और प्लॉट ज्यादा होना चाहिए। ऐसी फिल्म मुझे और मेरे जैसे सोच रखने वालों को पसंद आती है। बाकी जिन लोगों की सोच थोड़ी ज्यादा अलग होती है तो उन्हें कैसी भी फिल्म दे दो वो लोग फिल्म बस बेस्ट ही कहेंगे। जैसे कि इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगल और बाटला हो, इन दोनों फिल्मों से हमें ये पता चल जाता है कि कंटेंट बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ता है और बिना कंटेंट पर बनी हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर ले जाती है, जो कि मिशन मंगल फिल्म है। और उसके टक्कर में लगी हुई अच्छे कंटेंट पर बनी हुई फिल्म बाटला हाउस बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फिलहाल तो बहुत ज्यादा पीछे है। बट अब लोगों को कौन समझाए कि किस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए और किस फिल्म को नहीं। खैर, तो मुझे लगता है मैंने काफी ज्यादा बात कर आपको थोड़ा बोर कर दिया है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। और अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कमेंट में कि आप इस फिल्म को लेकर क्या सोचते हो और क्या उम्मीदें लगा रखी है आपने इस फिल्म से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा और अब भी कहूंगा जाने से पहले कि ऐसी फिल्मों के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहिए जो कि फिलहाल तो अभी बहुत ज्यादा कम बनती है, वो भी अच्छे तरीके से जो कि इस फिल्म को बनाया गया है। तो अब 2 अक्टूबर को ये बात पता चल जाएगी कि सेया नरसिम्हा रेड्डी फिल्म एक्चुअल में है कैसी। तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप इस फिल्म या फिर कोई दूसरी और फिल्म से रिलेटेड मुझसे कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां पर मैं ये कोशिश करता हूं कि आपके सभी के सभी सवालों के जवाब में टाइम पर दे पाऊं। बट हां, आपको वहां पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि वहां पर मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। और इस चैनल के अलावा मेरे 2 और चैनल है, एक है मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन और दूसरा मूवी स्टॉक, तो उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।